अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबाजता शुखरी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अल्लाह में आपको खैर खैरियत से रखे। शादियों का सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि जी वेट लॉस कराएं, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं हम अपने वेट लॉस जर्नी की तरफ और हम नवंबर का आपको डाइट प्लान देने लगे हैं। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। सबसे पहले नाश्ते की ऑप्शन नंबर 1, 3 अंडों का आपने ऑमलेट बनाना है। अगर आप बॉयल यूज़ करना चाहें तो आप बॉयल यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, आप कोई भी स्मूदी 3 टेबलस्पून ओट्स के साथ, आप कोई भी फ्रूट्स अपनी पसंद के हाफ अ कप ऐड कर सकते हैं, उनकी स्मूदी बना के आप उसको वो कंज्यूम कर सकते हैं। या तो स्किम मिल्क जो है अगर आपका है तो वो यूज़ कर लीजिए, और या फिर अगर आलमंड मिल्क मिलता है तो वो यूज़ कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन आप उसके साथ जो ले सकते हैं वो है बेसन का चीला, जिसको आप किसी भी जो है वो योगर्ट के साथ वो कंज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है, जो लोग पराठा नहीं स्किप कर सकते, वो सिंपल जौ की रोटी और या उसके साथ जो है मल्टीग्रेन आटे का 5 इंच का रोटी जो है वो बनाएंगे, और उसके साथ एक अंडा जो है बिल्कुल हल्के से ऑयल में फ्राई करके अगर वो ऑमलेट या फ्राई अंडा लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। 45 मिनट्स के बाद आप चाहे कॉफी, टी, ग्रीन टी, जो भी चाहे वो कंज्यूम कर सकते हैं। 11 बजे आप इसके बाद जो है यानी 3 आवर्स के बाद ऑलमोस्ट एक मीडियम साइज का फूड अपनी मर्जी का कोई भी आप एक कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है जी प्री वाटर, जो आपने लंच प्री लंच वाटर बनाना है वो आपने बनाना है 250 ml गर्म पानी, और गर्म पानी में 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा आपने वो डाल के गर्म पानी बॉइल करना है, 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद उस पानी को सिप बाय सिप आपने 45 मिनट्स बिफोर लंच एंड 45 मिनट्स बिफोर डिनर यही इसी तरह बना के आपने कंज्यूम करना है। आते हैं लंच ऑप्शंस की तरफ। लंच की ऑप्शंस में सबसे पहले जो है हमारे पास वो बहुत हेल्दी सी ऑप्शन है कि आपने क्या करना है, आपने जनाब अपने वेजिटेबल्स को सौते करना है और उसको चम्मच से कंज्यूम कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन, जो लोग दाल चावल नहीं छोड़ सकते, ब्राउन राइस, उसके अंदर आप दाल ऐड कीजिए अपनी 2 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून राइस एंड 2 टेबलस्पून ऑफ दाल, और उस पर ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड करके आप अपना एक अच्छी सा जो है वो दाल और वेजिटेबल का एक बहुत अच्छा सा पुलाव बना सकते हैं और आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बल्कि कि उसमें और आपने क्या करना है, आप बेसन की रोटी बना सकते हैं और उसको किसी भी अगर साग सब्जी जो भी आपका बनाए आप उसके साथ कंज्यूम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल एंड बटर नहीं डालना। फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप सिंपल जो है वो एक जौ की छोटी रोटी यानी कि 5 इंच की रोटी लेंगे, उसके साथ हाफ कटोरी सैलेड लेंगे, बहुत सारी सैलेड लेंगे और दही के साथ उसको कंज्यूम करेंगे। आते हैं अपनी जो है वो शाम की चाय पे। शाम की चाय आपकी है तो आप 30 ग्राम रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, 30 ग्राम आप बादाम ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें आप 30 ग्राम मखाने ले सकते हैं, और यह इसका सबसे आसान हल यह है कि इसमें जितने नट्स आए यहाँ पे अगर आपकी देखें तो इसके अंदर जितने नट्स आते हैं वो आप ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म में ले सकते हैं। उसके साथ चाय, ग्रीन टी या जो भी आप कंज्यूम करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। आते हैं हम अपनी डिनर ऑप्शंस की तरफ। तो डिनर के ऑप्शंस में जो है आप चिकन के 2 कबाब अगर आप चाहें वो विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स और हाफ कप ऑफ दही आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, जो लोग और लाइट पे जाना चाहते हैं वो चिकन सूप यूज करेंगे विदाउट कॉर्नफ्लोर, टोमेटो जुखीनी सूप यूज करेंगे विदाउट कॉर्नफ्लोर, उसके साथ सिंपल वेजिटेबल सूप यूज कर सकते हैं लेकिन विदाउट जो है आपका कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं होगा। कैबेज, एप्पल कैबेज सूप जो है वो आपका बहुत अच्छा होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपकी वही वेजिटेबल्स के, आप बहुत सारे वेजिटेबल को सौते करके वो यूज कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, आप एग सैलेड बना सकते हैं, 3 बॉयल्ड एग की सफेदियां लेनी है और उनको बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके आप वो बना सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन जो आपकी है वो है कि आप एक स्मूदी बना सकते हैं, जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया कि आप ले सकते हैं उसी को आप नाइट टाइम रिपीट कर सकते हैं। उसके साथ और नहीं तो आप 1 कप ऑफ फ्रूट जो है वो कोई भी किसी भी फॉर्म में आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी अगली नाइट टाइम ऑप्शन, बेड टाइम ब्रेक जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप उस वक्त 45 मिनट्स बिफोर अगर आप कंज्यूम नहीं कर पाए तो फिर यह है कि बेड टाइम में आप वही वाला पानी जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से अमल करते हैं तो आप अपना 1 मंथ के अंदर जो है कम से कम भी 3-5 kg बहुत इजीली लूज करते हैं विदाउट एनी एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज को ऐड कर देते हैं तो आप इवन 6-7 kg तक चले जाते हैं। तो 20 मिनट्स हेल्दी वॉक इन द मॉर्निंग एंड 20 मिनट्स इन द इवनिंग, अगर आप 40 मिनट्स अपने कमरे में ही एक स्पीड से चलते रहते हैं तो आपको बहुत हेल्दी वेट लॉस होता है। तो इन तरीके पे अमल करके आप अपनी शादियां बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।